नमस्कार, प्रस्तुत है क्लास 8 स्पेशल एग्जाम 2023 के गणित के प्रश्न पत्र का हल, और यह इस सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 21 से लेकर प्रश्न संख्या 30 तक के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। तो प्रश्न संख्या 21 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है तो ये होता है 360 डिग्री। अब एक प्रश्न उठता है, यहां तो चतुर्भुज दिया हुआ था, अगर कोई और भुजाएं रहे, दूसरी पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, तो इसके कोणों का योग हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप देखिए, चतुर्भुज में चार चार भुजाएं होती हैं, है ना? तो इसी के आधार पर हम लोग इसका एक फॉर्मूला डिडक्ट कर सकते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, है ना? किसी बहुभुज के कोणों का योग, ये होगा किसी बहुभुज के कोणों का योग। तो यहां अगर चार बैठाते हैं तो 4 घटा 2 और 2 गुना 180, 360 डिग्री। अगर पंचभुज होगा तो यहां 5 हो जाएगा, 5 घटाओ 2 3, और 3 को 180 से गुना करेंगे, 18 तिया 54 यानी 540 डिग्री। इस तरह से किसी भी बहुभुज के कोणों का योग हम निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 22, अष्टभुज में भुजाओं की संख्या होती है, ये तो बड़ा आसान सवाल है, यहाँ नाम में ही है अष्टभुज यानी 8 भुजाओं वाला, तो भुजाएं कितनी होगी? 8 होंगी। प्रश्न संख्या 23, ये है समांतर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं, सॉरी, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला बताया था कि कैसे निकालेंगे, तो किसी भी बहुभुज, फिर से लिख रहा हूं, बहुभुज के अंतः कोणों का योग ये होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, और यहां एन कितना है? 8 अष्टभुज है, घटाओ 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो गया 6 गुना 180 डिग्री यानी 1080 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये है दिए गए समांतर चतुर्भुज में एक्स का मान होगा। तो ये देखिए, ये कोण आर और क्यू, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं यानी आसन्न कोण है, और आसन्न कोणों का योग यहां होता है 180 डिग्री। तो ये एक्स जो होगा, एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी हो गया ये 70 डिग्री, ये ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26, आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है तो एक्स का मान क्या होगा? तो देखिए, ये ए बी सी डी वर्ग है और यहां 2 विकर्ण है, ए सी और बी डी। तो वर्ग के विकर्ण का गुण क्या होता है? वर्ग में जो विकर्ण होते हैं उनका क्या गुण होता है? पहला, विकर्ण बराबर होते हैं,
वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और दूसरा होता है विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। अर्थात ये जो विकर्ण है बीडी और एसी बराबर है, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये आधा कर रहे हैं, यहां पर लंब समद्विभाजित कर देते हैं, आधा आधा कर दे रहे हैं, समद्विभाजित कर दे रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये इसका एक हम पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं ये, तो ये डी ओ और ये है ओ सी, ये दोनों इक्वल होगा, ओ डी इक्वल टू ओ सी। तो ओ डी कितना है, 2x-3 इक्वल टू x+1। या ये समीकरण को अब हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा ये 2x, और ये जो x दाहिनी ओर है इधर आ जाएगा -x, तो इसका 2 हो जाएगा 1+3, तो ये हो जाएगा x=4। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न संख्या 27, 5 का व्युत्क्रम। इस व्युत्क्रम का एक दूसरा भी नाम है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम वह संख्या होती है जिससे कि दी गई संख्या को अगर हम गुना करें तो गुणनफल 1 आता है। तो 5 से हम किसको गुना करें, 5 से हम किसको गुना करें, किस संख्या को गुना करें कि 1 आ जाए। तो निश्चित रूप से ये 5 को अगर हम 1/5 से गुना करें तो ये 1 आ जाएगा, 5 6 का 5 ये 1 हो जाएगा। तो अर्थात 5 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/5। परिमेय संख्या -8/6 का मानक रूप है। तो हम देखते हैं कि मानक रूप में बदलने के लिए हम किस संख्या से दोनों में भाग दे सकते हैं ताकि वो लघुत्तम रूप में आ जाए। तो यहां इसको 2 से भाग देंगे, यहां भी 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा -4 और ये जाएगा 3। ये ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 29, ये तो बड़ा आसान सवाल है, 3/-5 × -5/3। ये 3 × 3 ये कट गया और ये -5 और -5 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, √1। ये ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 30 है, 1/3 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में अगर हम जोड़ें तो योगफल 0 हो जाए। तो 1/3 का योज्य प्रतिलोम जो होगा, का योज्य प्रतिलोम बराबर, तो 1/3 में क्या जोड़ें कि इसका योगफल 0 हो जाए, तो ये होगा -1/3। तो यहां गौर करें कि योज्य प्रतिलोम अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इस तरह पार्ट 3 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 30 तक के प्रश्नों को हल किया। अब अगली वीडियो में अगले 10 प्रश्नों को हल करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।